जो फंड्स चांडियो साहब अभी तक वो कहते हैं दिए गए हैं केएमसी को या मेयर साहब के पास जो जो आए हैं वो बिल्कुल ही ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। सो फिर आप लोग किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं? बिलावल साहब ने कहा इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं, ये अरबों रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है तो सारे सिंध का बजट इनको दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। मैं एक और बात की, छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं की इन्होंने, वो जो ये जो मौजू है ये छोटा है, इसकी मैं अलग बात करना चाहता हूँ। फैसल भाई एक बात से नाराज हुए बिलावल साहब की तकरीर से, बिलावल साहब ने कोई नया नहीं कहा, कोई अपनी तरफ से नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, इनके ग्रुप को नहीं कहा, उनके ग्रुप को नहीं कहा। बिलावल साहब ने एमक्यूएम की बात की है, एमक्यूएम की बात वही की है जो आपके लाडले मेयर मुस्तफा कमाल साहब ने की है, जो आपने की है, आपकी जमात की तरफ से की गई। दोनों ग्रुप्स ने जो एमक्यूएम पे बोला है वो अगर दोबारा दिखा और सुना दो तो आप, बिलावल साहब ने कुछ भी नहीं कहा आपको, आप तो नाराज वैसे हो रहे हैं, आपको लियाकताबाद में जाना पीपल्स पार्टी का बुरा लगा है और कोई बात नहीं। अच्छा। ऐसे इल्जाम लगा वैसे है। वो कहते हैं लियारी में क्यों नहीं करती पीपल्स पार्टी, सवाल तो ये भी है लियारी भी में क्यों नहीं करती। भी हमारा जीते हम करेंगे, लेकिन इसको गुस्सा क्या है, इनको गुस्सा जलसे का, हमारे से कहीं ज्यादा। बिलावल साहब तो बुरी बात करते नहीं, तनकीद की है, सियासत में तनकीद होती है। इनके मुस्तफा कमाल ने जो रो रो के जो बातें बताई अल्ताफ हुसैन की, दूसरे ग्रुप ने जो रो रो, लेकिन आप लोगों को तो लग रहा है ना कि अल्ताफ हुसैन की सियासत अभी भी जारी है, ये लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं, हमने जब उस दौर उस चैप्टर पे तनकीद की है, उस दौर की बातों पे तनकीद की है, तो आपको बुरा क्यों लगा, क्यों इसमें मुझे नहीं समझ आता। दूसरा इनकी इसी सियासत ने तो इनको ही तकसीम कर दिया है, अब ये तकसीम हो चुके हैं, हमने तो नहीं किया, आप लोगों की अपनी सियासत थी। हाँ, हम आप पर अभी बोले, आपके आज की सियासत पर हम तनकीद कर रहे हो, हम आज आपसे सवाल पूछ रहे हो, तो फिर तो आप जवाब दे। अगर हम उस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर की चंगेजी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं जिस पे तो आपने इतना बोला है कि किस्सा नहीं, अब आ गए तरक्याती प्रोग्राम पर। मैं आज आपको कह रहा हूं, और फैसल भाई सुन रहे हैं, ग्रेटर कराची का एक प्रोग्राम बीबी ने अनाउंस किया, इतना सारा वो किताब चाहे वो आप मंगवा लें कराची। अच्छा। से जिन कारनामों को ये गर्दनें उठा के बता रहे हैं, जिन तरक्याती मंसूबों पर इन्होंने अपने नाम लिखवाए, वो सब के सब मंसूबे बीबी के ग्रेटर कराची के प्रोग्राम में है, न हो तो मैं आपका मुजरिम हूं।